फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई जो उत्तराखंड की ट्रेडिशनल स्वीट है। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सेफ चंदन। अल्मोड़ा की बाल मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले आधा किलो खोया लीजिए आप, और खोया को आप गर्म कढ़ाई में डाल दीजिए और इस मावे को हल्का सा पकाइए आप हल्की आंच में, जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए इस तरीके से। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसमें रखिए 150 ग्राम शुगर, पीसी हुई चीनी, 1 चम्मच रखे इसमें पीसी हुई इलायची, बढ़िया फ्लेवर आएगा, और करीबन 150 ग्राम इसमें कोको पाउडर या चॉकलेट पाउडर आप इसमें रख दीजिए, और ये सारे इंग्रेडिएंट को आप इसमें मिक्स करिए मावा के साथ इस तरीके से। और दोस्तों, इसको हल्की आंच में आप इसको पकाते रहे इस तरीके से 1 से 2 मिनट, और ध्यान रखिए कि जो मावा है ना वो कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन से एक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसकी ये बहुत प्रसिद्ध मिठाई, इसका नाम है बाल मिठाई, और मैं आज इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा इस तरीके से। ये रेडी हो चुका है दोस्तों, अब मैं फ्लेम कर दूंगा बंद और इसको रखूंगा एक ट्रे में ठंडा होने के लिए। दोस्तों, ये ट्रे, इसमें देसी घी से एक इस तरीके से ब्रश कर दूंगा मैं, और इसको मैं ट्रे में डाल दूंगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ट्रे में डाल चुका हूँ, इसके ऊपर मैंने हल्का सा चॉकलेट पाउडर डाल दिया। अब मैं आधा घंटे के लिए रख दूंगा इसको फ्रिज में। फ्रेंड्स, इसके छोटे छोटे पीस मैं काट चुका हूँ, अब इसको शुगर सर में डुबो दूंगा इसको। तो दोस्तों, यह है चीनी की चाशनी और यह है व्हाइट शुगर बॉल। चॉकलेट को मैं इसमें डुबो दूंगा चाशनी में, और उसके बाद इसको शुगर बॉल में डालूंगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से चाशनी में आप डालते रहे जो चॉकलेट के मैंने क्यूब्स काट रखे हैं, और ये शुगर बॉल में इसको मिक्स करके, और इस तरह से बनेंगे ये बाल मिठाई। तो दोस्तों, तैयार है बाल मिठाई, आप ले सकते हैं इसका आनंद अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों, मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।